हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरजा'स क्रिएशन। आज का वीडियो हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल है। इसमें हमने पुराना सामान यूज़ करके एक अट्रैक्टिव गिफ्ट तैयार किया है। तो आइए देखते हैं कैसे मिठाई के एक डिब्बे से अट्रैक्टिव फोटो फ्रेम बनाया जाता है। ये हमने मिठाई का एक डिब्बा लिया है जिसका कि हम टॉप पोर्शन ही यूज़ करेंगे, बॉटम हमें ज़रूरत नहीं है। यूज़ करने से पहले आप मिठाई के डिब्बे को अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लें, कोई भी मिठाई नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसको साइड से इस तरीके से कट कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो कि है पुराने कपड़ों को यूज़ कैसे करें, पुरानी टूटी फूटी ज्वेलरी से नई ज्वेलरी और स्टाइलिश ज्वेलरी कैसे बनाएं, पॉम्पॉम ज्वेलरी और टसल ज्वेलरी कैसे बनाएं, पुराने सामान से नया यूज़फुल सामान कैसे बनाएं, स्टाइलिश और नए पैटर्न के कपड़े कैसे बनाएं आसान तरीके से। अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह आपके बहुत काम का हो सकता है। सारे पोर्शंस को आप डेकोरेट पेपर से कवर कर लें, या आप सिंपल कलर का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पिंक थीम रखी है, इसलिए हमने पिंक और डार्क पिंक कलर के पेपर से सबको कवर किया है और उसको ग्लू से इस तरीके से चिपका लें। चिपकाते टाइम ध्यान रखें आप एक साइड से उसको नहीं चिपकाएं, जैसे कि हमें फ़ोटो डालनी है। यह हमारे फोटो फ्रेम का बेस तैयार हो गया है। अब इसको हम डेकोरेट करने के लिए हमने कुछ कलर्स के पेपर लिए हैं, हम इनके हार्ट्स बनाने जा रहे हैं। हार्ट बनाने के लिए हमने एक पेपर पंचिंग मशीन ली है, ये नॉर्मली किसी भी क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएगी, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये जो पंचिंग मशीन में कट लगा है, इसके अंदर पेपर डाला जाता है और उसको प्रेस किया जाता है, उससे हार्ट की शेप बन जाएगी। ऐसे ही आप बहुत सारे हार्ट्स बना लीजिए, कोई भी कलर के जो आपको पसंद है। ये हमने पूरे फोटो फ्रेम पे ग्लू लगा लिया है, उसको इस तरीके से हार्ट्स डाल के चिपका लेंगे। इस फोटो फ्रेम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें ग्लिटर फोम शीट के गोल्डन और रेड कलर के हार्ट्स कट करके पेस्ट किए हैं, ये भी हमने पंचिंग मशीन से ही बनाए हैं। फोटो फ्रेम का स्टैंड बनाने के लिए हमने जो मिठाई के डिब्बे का बॉटम छोड़ा था उसके अंदर से एक पोर्शन कट कर लेंगे और उसको इस तरीके से पेपर से रैप करके फोल्ड करके फोटो फ्रेम के साथ चिपका देंगे, तो हमारे फोटो फ्रेम का स्टैंड बन जाएगा जिसके सहारे कि हमारा फोटो फ्रेम खड़ा रह सके। देखिए कितना सुंदर और क्यूट फोटो फ्रेम तैयार हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।